वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं तलमा वाल दाल बाटी बना रही हूँ, तो आप अगर ये रेसिपी पसंद आती है आपको तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। ये बहुत सिंपल तरीके से बनेगी और आज वही हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पहले मैं वो बता देती हूँ। आटा है ये, जिसके अंदर मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, सौंफ और अजवाइन ऐड कर दिया है और इसी में मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी जो मोन के लिए होगा। फिर हमारे मसाले होंगे दाल के लिए, सौंफ, हिंग पाउडर, जीरा, राई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, मूंगफली का तेल। यहाँ पे मैं काली दाल यूज कर रही हूँ जिसे उड़द की दाल बोला जाता है और उसमें चना की दाल थोड़ी सी मिक्स करिए। तेज पान का पत्ता, करी पत्ता, हरा धनिया, टमाटर की प्यूरी और लहसुन प्याज हरी मिर्च को कूटा हुआ। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बनेगी तो आज वही ट्राई करते हैं और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। यहाँ मैंने पानी को पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया है जिसमें मैं ये दाल डालूंगी। पहले हम दाल को अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पे मैं कुकर का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो दाल कुकर में भी पका सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके से बनाने वाली हूँ। दाल को पहले मैं पानी में बॉईल करूंगी। दाल में मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको मैं उबलने दूंगी और जो हम बाटी का आटा लगाएंगे उसी की बाटी में इस पानी में भी बॉईल करूंगी, मतलब दाल के साथ में बॉईल करूंगी। तो आज देखिए कुछ नई स्टाइल की। अब हम इसमें ये पानी उबलने के लिए रख दिया है, दाल मैंने इसमें डाल दिए, नमक हल्दी डाल दिए और अब हम इसमें आटे में ऑयल डालेंगे और इसका डो गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैं आधे ग्लास ऑयल डाल रही हूँ ताकि इससे बहुत ही अच्छा मोड मिल सके और इसे पानी डाल के इसका टाइट टाइट आटा गूंथ लूंगी। ये देखिए आटा तैयार हो चुका है लेकिन हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। हम इस पर अच्छे से घी लगाकर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं, आप चाहे तो घी लगा सकते हैं। यहाँ मैं घी यूज कर रही हूँ। ये आटा ज्यादा गीला भी नहीं रखना है और ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है और फिर हमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देना है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट तक। हमें इस पे कपड़ा ढक के रख दूंगी और इसे ऐसे ही रखूंगी, तब तक दाल ऐसे ही बॉईल होती रहेगी। आटे को हमने 10 मिनट तक रेस्ट करने दिया था, अब हम इसको देखते हैं कैसा हुआ है। ये देखिए आप बहुत अच्छा हो गया है और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बाटी बना लेंगे और इस पानी में बॉईल करने के लिए डाल देंगे। ये दाल के अंदर बॉईल होती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी मैं इस तरह से बाटी बना लूंगी और पानी के अंदर इसमें उबलने वाले में सब डाल दूंगी। इस तरह से मैं पानी के अंदर इसमें ऐड कर दूंगी। ये भी अच्छे से दाल के साथ में बॉईल हो जाएगी तो इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। इस तरह मैं सारी बाटियों को इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारी बाटी को मैंने इसमें पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब मैं थोड़ा सा इनको एक बार हिला दूंगी इस तरह से। ये काली दाल है इसीलिए इसका पानी भी थोड़ा सा काला है। आप देख सकते हैं कि बाटी को हमें इसमें अच्छे से बॉईल होने देना है, बाटी को और दाल को दोनों को। जब दाल पक जाएगी तब हमारी बाटियों को भी निकाल लेंगे। इस तरह से कम 15 या 20 मिनट तक बिल्कुल कम आंच में मैं इनको ऐसे बॉईल होने दूंगी। 20 मिनट के बाद मैं इसे देखती हूँ, बीच में मैंने इसको पलटा के देखा है। अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे बाटी अच्छे से पक गई है और दाल भी अच्छे से उबल चुकी है।
इसमें से जितनी ये बाटी है उसको मैं निकाल लूंगी। इस तरह से मैं सारी बाटियों को निकाल लूंगी। इस पर जो दाल लग गई है ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा हटा लूंगी मैं इस तरह से। और अभी इस पे जो दाल लग रही है उसको मैं हटा लूंगी और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। ये जो दाल है उसको मैं हटा लूंगी, जो इन पर दाल लग गई है उसको हमें अच्छे से हटा लेना है। और अच्छे से थोड़ी देर के लिए पानी है इनके अंदर, इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। ये देखिए बाटियों को अच्छे से हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे सूखने देना है। इनको इन पर से जो दाल थी उसको मैंने हटा लिया है और इनको साइड में कर देंगे। और अब पहले हम दाल का छोक लगा लेंगे। मसाले मैंने पहले आपको बताया है, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हींग, तेजपान का पत्ता, टमाटर की प्यूरी, करी पत्ता, हरा धनिया और लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा कूट लिया था। तेल को अब अच्छे से हमें गरम करना है। यहां पर मैं ज्यादा ऑयल नहीं रखूंगी, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल ही रखूंगी। जो लहसुन प्याज और हरी मिर्च को कूटा है उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। ये दाल बाटी प्लीज आप एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगती है। तेजपान का पत्ता, करी पत्ता, हींग पाउडर डालूंगी और 1/2 चम्मच ही जीरा। लहसुन प्याज को थोड़ा थोड़ा सा पकने देंगे। जो ये टमाटर का पेस्ट बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर नहीं भी डाले तो भी चलेगा, अगर है तो आप टमाटर ऐड कर दीजिए, उससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत टेस्टी दाल बनी है। इसे 2 मिनट के लिए नमक हमने पहले दाल बॉइल हुई थी तब भी ऐड किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 चम्मच नमक ही ऐड कर रही हूँ। हल्दी भी हमने उसमें भी डाला है तो यहाँ पर भी 1/2 चम्मच ही हल्दी यूज करूंगी। और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं मसाला कितना अच्छा दिख रहा है।
और लाल मिर्च अगर आप तीखा खाते हैं तो ज्यादा डाल दीजिए, कम खाते हैं तो कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक चम्मच डालूंगी, ज्यादा नहीं डालने वाली। और इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, पानी में ये वाला दाल वाला पानी इस तरह से लेके थोड़ा डालूंगी, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है मुझे। ये देखिए, और इस मसाले को इस तरह से अच्छे से पका लेना है। ये बहुत टेस्टी दाल बनती है, आप एक बार इस तरह से बना के देखिए दाल बाटी को, आप कहेंगे और जो ये मसाला अच्छे से पक जाएगा उसको फिर हम इस दाल में ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से पक गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ने लगा है पूरा। ये देखिए, इसका मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। और अब हम इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे, जो दाल बॉईल हो चुकी थी उस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के पैन में, और ये मसाले का सारा इसको निकाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहे तो दाल का रस्सा बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसी तरह रख सकते हैं। यहाँ मैं ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि चटनी भी रहेगी, दाल भी है, तो इसी हिसाब से मैं थोड़ा दाल ज्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी। ये पानी बहुत है, आप देखिए। अभी दाल को हम बॉईल होने देंगे अच्छे से, और हमारी दाल रेडी है। इसमें मैंने कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया है, कोई तीखापन नहीं है। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, और इसमें लहसुन प्याज का जो टेस्ट है वो आएगा, करी पत्ता का टेस्ट आएगा, तेजपान के पत्ते का टेस्ट आएगा। तो आप एक बार जरूर इस दाल को बना के देखिए, दाल बहुत अच्छी लगती है। ये दाल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। गैस को मैं बंद कर दूंगी, और पहले हमें बाटी को फ्राई कर लूंगी। एक दूसरी कढ़ाई में गैस चला के थोड़ा घी गरम कर लेंगे हम। यहाँ पे पतंजलि का देसी घी यूज कर रही हूं मैं, और हम लोग यही यूज करते हैं। जो बाटी हमने पहले बॉईल करी थी उनको हम काट लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से काट सकते हैं, या फिर ऐसे ही इस तरह से इनके मैं चार पीस कर लूंगी एक एक बाटी के। ये देखिए, इस तरह से इनके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं, और घी में हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैं सारी बाटी को इसी तरह से कट कर लेती हूँ। इस तरह से सारे बाटी के मैंने पीस कर लिए हैं, और घी भी गर्म हो गया है। अब हमें इनको इस तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे बाटी सेकना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाटी को बॉईल करके और हमें घी में फ्राई करना है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है, और जल्दी भी बन जाती है। इन बाटी को हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। We'll be right back.
फ्राई कर लेंगे। ये गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत टेस्टी बनती है। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और इसे ट्राई किया आपने तो कैसी बनी। ये बाटी आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं चटनी के साथ में, ये बहुत अच्छे से बच्चे पसंद करते हैं, एक एक पीस लिया और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की दाल बाटी और सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। देखिए ब्राउन हो चुकी है और हम कुछ बाटी को आपके इसमें निकाल लेंगे। सुनहरी हो चुकी है और अब हम इनको निकाल रहे हैं। ये देखिए, और इस तरह मैं अपने इन सारी बाटियों को इसमें अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इनको हल्के आंच पे धीरे से डालना है क्योंकि गर्म घी रहता है तो कहीं छींटे ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम आराम से आपको ये फ्राई करनी है, कुछ कोई जल्दी नहीं करनी है। इस घी के अंदर जितनी बाटी हमारी आ सकती है हम उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये गर्मा गर्म बाटी रेडी है और ये हमारी दाल, ये चटनी और ये बाटी। गर्मा गर्म दाल बाटी चटनी कैसे बनाएंगे उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं कि किस तरह मैंने चटनी बनाई है। हरे धनिये की चटनी है ये। तो ये दाल बाटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।